Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to start a brand new series of short stories that is the optional subject in MA English Part 2. The first story that I'm going to share today is The Mummy Awakens, written by Najib Mahfouz. I'm going to share its summary with you all in detail. Before watching this video, do subscribe my channel. Also, press the bell icon for notifications. Dear students, firstly, I will give a short introduction about the writer. You can see the picture of Najib Mahfouz on the screen. He was an Egyptian writer. बहुत ज़रूरी होता है English literature students के लिए कि वो writer की age के बारे में जानते हो and also about his life, so that they can attempt the questions in the paper properly. जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. विकिपीडिया में से ये इंट्रोडक्शन है. पूरा नाम दिया गया है राइटर का, 11 सितंबर 1911 टू 30 अगस्त 2006. वाज एन इजिप्शियन राइटर हु वन द 1988 नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. इजिप्शियन राइटर थे ये और नोबल प्राइज विनर थे. महफूज इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ अरबिक लिटरेचर along with Taha Hussein to explore themes of existentialism. He is the only Egyptian to win the Nobel Prize in Literature. He published 35 novels. 35 novels likhe the inhone, over 350 short stories, 350 short stories likhi thi, 26 movie scripts, hundreds of opt columns for Egyptian newspapers and 7 plays for a 70-year career. 70 saala career tha inka. लिटरी करियर जिसको कह सकते हैं फ्राम द 1930s अंटिल 2004. ऑल ऑफ हिज नावल्स टेक प्लेस इन इजिप्ट एंड ऑलवेज मैंशंस द लेन विच इक्वल्स द वर्ल्ड. हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द ट्रायलॉजी एंड चिल्ड्रन ऑफ किबलॉय. मैनी ऑफ महफूज वर्क्स हैव बीन मेड इन टू इजिप्शियन एंड फॉरन फिल्म. नो अरब राइटर एक्सीड्स महफूज इन नंबर ऑफ वर्क्स दैट हैव बीन अडेप्टेड फॉर cinema and television. While Mahfouz literature is classified as realist literature, existential themes appear in his work. Now let's read out the summary of the short story Mummy Awakens. Najib Mahfouz in his story The Mummy Awakens passes on an unbelievable tale narrated to him by a highly remarkable scholar, Professor Darien. नजीब महफूज इस कहानी में एक बहुत नाकाबिल यकीन कहानी बयान कर रहे हैं जो कि उनको नरेट की थी बहुत मशहूर स्कॉलर ने, प्रोफेसर डेरियन उनका नाम था, प्रोफेसर ऑफ इजिप्टोलॉजी एट फुआद द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन कायरो. प्रोफेसर थे इजिप्टोलॉजी के फुआद में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी कायरो में. द नरेटर रिकॉल्स अ विजिट दैट ही पेड टू द लेट महमूद पाशा अल अरनौती, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इजिप्ट. इजिप्ट के अमीर तरीन शख्स के घर विज़िट किया था जिनका नाम था महमूद पाशा अल अरनौती, जो कि नाउ ही हैज़ डाइड. उनके घर का विज़िट बता रहे हैं. पाशा ह्यूज कंट्री मैंशन लोकेटेड इन अपर इजिप्ट. उनका एक बहुत बड़ा कंट्री मैंशन था जो कि अपर इजिप्ट में लोकेटेड था. वाज द एपिटोम ऑफ रिच फ्रेंच कल्चर, यानी वो उससे रिच फ्रेंच कल्चर झलकता था. इट वाज एडॉर्न विद मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ आर्ट, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे वहाँ पे, पेंटिंग्स एंड स्टैचूज, और वो सजा हुआ था पेंटिंग से और स्टैचूज से. पाशा एज डिस्क्राइब्ड बाय वन ऑफ हिज फेलोज वाज थ्री पर्सन्स रोल्ड इन ऑन अ टर्किन ओरिजिन, एन इजिप्शियन बाय नेशनैलिटी एंड फ्रेंच मैन एट हार्ट. जी, वो टर्क कहलाए जाते थे ओरिजिन से, इजिप्शियन बाय नेशनैलिटी और फ्रेंच मैन एट हार्ट एंड माइंड. हिज लव फॉर फ्रांस वाज सो मच दैट हिज फ्रेंड्स वर ऑलवेज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन. उनको फ्रांस से बहुत मोहब्बत थी जिसकी वजह से उनके ज़्यादातर दोस्त जो थे उनका ताल्लुक फ्रांस से था. ही वॉज नोन अमंग हिज सर्कल्स फॉर बींग अ लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड पोइट्री. मशहूर थे कि उनको फाइन आर्ट्स और पोइट्री से मोहब्बत थी. Whereas the narrator found him to have a passion for culture, जबकि narrator ने ये महसूस किया that he is passionate for culture. At the Pasha's palace, Professor Darien discovered many good friends. Professor Darien ने बहुत अच्छे दोस्त discover किए पाशा के palace पे.
इंक्लूडिंग मॉन्सियर सैरट. मॉन्सियर सैरट उनमें से एक था. ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ हायर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स. वो हायर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के डायरेक्टर थे. एंड डॉक्टर पियर हु वॉज अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि स्पेशलिस्ट था मेंटल डिसऑर्डर्स का. The day he visited Pasha's mansion, Professor Darien and his two friends suggested Pasha to get his palace a little modified. जिस दिन उन्होंने पाशा के मैंशन का विज़िट किया, उस दिन प्रोफेसर डैरियन उनके दो दोस्तों ने पाशा को यह मशवरा दिया कि वो इस महल में थोड़ी सी तब्दीली करें, सो दैट इट कुड सर्व एज अ म्यूज़ियम, ताकि वो म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल हो सके ऑफ फ्रेंच आर्ट को डिस्प्ले कर सके. एंड वुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट अ बेटर इनसाइट इन टू फ्रेंच कल्चर, जो स्टूडेंट्स को मदद देगा कि वो फ्रेंच कल्चर को बेहतर तौर पर समझ सकें, बट विदाउट हैविंग टू विज़िट फ्रांस, यानी बग़ैर फ्रांस विज़िट किए उनको फ्रेंच कल्चर के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकेगा. द पाशा एग्री टू द आइडिया ऑफ मॉडिफिकेशन. पाशा इस आइडिया पे एग्रीड हो गया कि वो थोड़ी सी तब्दीली करेगा अपने इस महल में. रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ मेकिंग इट अ म्यूज़ियम, कि वो उसको म्यूज़ियम बना देगा टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ इजिप्शियन स्टूडेंट्स, ताकि इजिप्ट के स्टूडेंट्स की मदद कर सके उनकी एजुकेशन में. ही कमेंटेड वेरी सीरियसली बाय सेइंग, बहुत संजीदगी के साथ उसने कमेंट किया, दैट इजिप्शियंस वर पेजेंट्स, ये जो इजिप्ट के लोग थे ये किसान थे, हु हैड नो राइट टू बेनिफिट फ्राम अ पैलेस ऑफ सच नोबिलिटी, जिनके पास कोई हक हासिल नहीं था कि वो फ़ायदा उठा सकें ऐसे महल से जो इतना रॉयल हो. एंड इफ़ द पैलेस वॉज एवर टू मूव इट वुड गो स्ट्रेट टू फ्रांस, अगर ये पैलेस मूव करना होता तो ये सीधा सीधा फ्रांस जाता. पाशा हैड ऑलरेडी बीन एक्यूज्ड ऑफ स्क्वैंडरिंग द मनी फ्राम मनी ऑफ इजिप्शियन पेजेंट्स. पाशा पे एलिगेशंस थी कि उसने इजिप्शियन पेजेंट्स की मनी जो है वो ज़ाया की है या मिसयूज़ की है, बट ही गेव द कोल्ड शोल्डर टू दोज एलिगेशंस, लेकिन उसने उन एलिगेशंस की कोई परवाह नहीं की. पाशा रिगार्डेड दीज एलिगेशंस प्रिंटेड अगेंस्ट हिम इन इजिप्शियन न्यूज़पेपर्स एज येल ऑफ द प्रेस, उसने कहा ये बस प्रेस की आवाज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. द न्यूज़पेपर्स एक्यूज्ड पाशा ऑफ स्क्वैंडरिंग द मनी ऑफ इजिप्शियंस इन फ्रांस. फ्रांस में भी पाशा पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने इजिप्शियंस के पैसे जो हैं वो मिसयूज़ किए हैं. सच न्यूज़ वॉज रिपोर्टेड टू पाशा बाई हिज फ्रेंड्स लाइक डॉक्टर पियर एंड मॉन्सियर सैरट, और ऐसी खबर जो है वो उसके दोस्तों ने उस तक पहुँचाई जिसमें डॉक्टर पियर भी शामिल हैं और मॉन्सियर सैरट भी. आफ्टर लिस्टिंग टू दैम पाशा ऑफन रिप्लाइड, उनकी बात सुन के पाशा अक्सर जवाब देता था, एज लॉन्ग एज माई ओन आर्टिस्टिक कॉन्शियस फील्स अनहैप्पी, जब तक मेरी अपना जो ज़मीर है मेरा आर्टिस्टिक ज़मीर वो नाखुश है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज वंडर्स, कि इन वंडर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में ये जो आर्ट यहाँ पे है ऑफ आर्ट रिमेनिंग हेयर जो यहाँ पे बाकी रह गया है अमंग दिस एनिमल पॉपुलेंस, जहाँ पे एनिमल्स की तादाद ज़्यादा है, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट दे विल नेवर स्टे बरीड हेयर, तुम इस बात की एश्योरेंस कर लो कि ये यहाँ पे कभी भी दफन नहीं होंगे. इट वॉज इन पाशाज ब्लड टू हेट एंड डिस्पाइस इजिप्शियंस. रिपोर्ट सेड दैट पाशा वंस रिजेक्टेड अ प्रोमिनेंट इजिप्शियन डॉक्टर हु हैड अचीव्ड द रैंक ऑफ बे एंड हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज. एक दफ़ा ये सुनने में बात आती है कि इसने एक इजिप्शियन डॉक्टर को इनकार किया था, रिजेक्ट किया था, जिसने रैंक ऑफ बे अचीव कर लिया था और वो आया था उसकी बेटी का हाथ मांगने, यानी वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता था. द रिजेक्शन वॉज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ पाशाज़ हेट्रेड फॉर इजिप्शियंस, ये जो उसने रिजेक्ट किया था डॉक्टर को यही वाजे करता है या जाहिर करता है इस बात को कि पाशा बहुत नफ़रत रखता था अपने दिल में इजिप्शियंस के लिए. He simply overruled the doctor's proposal because of his being of peasant stock. और उसने इनकार इसलिए भी किया था क्योंकि वो समझता था कि पाशा का ताल्लुक भी उसी किसानों की कैटेगरी से होगा, यानी जो किसानों की क्लास होती है इजिप्ट की. He used to say about the Egyptians, वो इजिप्शियंस के बारे में कहता था, that they are domesticated animals, यानी घरेलू जानवर हैं. इस हद तक नफरत करता था कि उनको घरेलू जानवर बुला रहा है. docile by nature and submissive by temperament, जो कि by nature docile हैं लेकिन उनका temperament जो है submissive है. For thousands of years, हज़ारों सालों तक they have lived as slaves of the tidbits from the ruler's tables. उन्होंने बहुत सालों तक, यानी हज़ारों सालों,
उन्होंने ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर की है। सच पीपल हैव नो राइट टू फील सॉरी इफ़ दिस म्यूज़ियम गोज़ टू पेरिस। ऐसे लोगों के पास कोई हक नहीं होता कि वो सॉरी महसूस करें अगर ये म्यूज़ियम जो है पेरिस चला जाए। यानी वो इस हद तक उनसे नफ़रत करता था, पेजेंट से और इजिप्शियन से, कि उनको जानवरों की तरह समझता था। ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन विद हिज फ्रेंड पाशा सैड जेस्चरिंग आउट इन टू द गार्डन थ्रू द विंडो। अपने दोस्त से बातचीत के दौरान पाशा जो है बाहर की तरफ देखता है, अपनी विंडो से गार्डन की तरफ जेस्चर करते हुए। अ सिग्निफिकेंट डिग इज़ इन प्रोग्रेस इन द गार्डन ऑफ माई ओन मैंशन। वो कहता है मेरे मैंशन के गार्डन में एक सिग्निफिकेंट डिगिंग हो रही है। ही टोल्ड देम दैट टू डेज अगो अ वेल नोन मैन कॉल्ड शेख जडाला केम टू सी हिम। कि दो दिन पहले एक मशहूर आदमी जिसका नाम शेख जडाला है वो उनसे मिलने आया था। शेख जडाला वॉज मच रिस्पेक्टेड, बहुत इज़्ज़तदार शख्स था। एंड एस्टीम्ड बाय द लोकल पीपल, और आम लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। ही टोल्ड पाशा दैट ही हैड कम टू बाय डिंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इनसाइट दैट अ वैल्यूएबल ट्रेजर वॉज हिडन बीनीथ हिज गार्डन। उन्होंने पाशा को ये बताया कि वो उनकी छठी हिस्स ने, या ये कह सकते हैं इल्हाम हुआ है उनको, कि उनके गार्डन के नीचे कोई ख़जाना दफन है। तो फिर वो परमिशन मांगते हैं। ही रिक्वेस्टेड परमिशन टू सर्च फॉर द ट्रेजर अंडर पाशाज ओन सुपरविजन। रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन की कि मैं पाशा की सुपरविजन में ही वहाँ पे सर्च करूँगा उस ख़जाने को। पाशा सैड दैट ही लाफ्ड एट हिज प्रपोजल हार्टली। पाशा कहता है कि मैं उसकी बात पर बहुत हंसा। एंड वॉज अनॉयड टू द पॉइंट ऑफ हैविंग हिम थ्रोन आउट। फिर बाद में वो अनॉय भी हो गया इस बात पे, यानी उसको थोड़ा सा इरीटेट हो गया ये कहना चाहिए। बट लेटर ही थॉट टू गो अलॉन्ग विद हिज फैंटसीज एंड बिलीव्स एंड ग्रांटेड हिम परमिशन। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, और उसको इजाज़त दे दी कि वो उनके गार्डन में डिगिंग करे। ही टोल्ड देम दैट शेख जडाला वॉज एग्जीक्यूटिंग द डिग। उन्होंने बताया कि अपने दोस्तों को ये बताया पाशा ने कि शेख जडाला जो है वो एक बहुत बड़ा होल डिग कर रहे हैं उनके गार्डन में। एंड टू ऑफ पाशाज ओन सर्वेंट्स वर हेल्पिंग हिम। और पाशा के अपने ही दो सर्वेंट्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। आफ्टर लिसनिंग टू पाशा, प्रोफेसर डैरियन सेड दैट इट वाज द सेम काइंड ऑफ सुपरस्टिशन दैट लेड हिम टू डिस्कवर द टॉम ऑफ प्रीस क्यूमना। पाशा की ये तमाम बात सुन के प्रोफेसर डैरियन ने कहा कि उनको भी इसी तरह की सुपरस्टिशन थी जिसने उनको लेड किया कि वो डिस्कवर करें प्रीस क्यूमना के टॉम को। They left the saloon where they were sitting to say goodbye to the friend. वो उन्होंने सैलून वहाँ से छोड़ दिया और जहाँ वो बैठे हुए थे अपने दोस्त को गुड बाय कहने के लिए। पाशा एंड प्रोफेसर डैरियन डिसाइडेड टू हैव अ लुक एट द शेख जडाला डिगिंग। पाशा और प्रोफेसर डैरियन ने सोचा कि जाके शेख जडाला की डिगिंग देखते हैं कि किस हद तक उसने डिगिंग कर ली है पाशा के मैंशन के गार्डन में। दे आर हार्डली वॉकड अ फ्यू स्टेप्स व्हेन दे हर्ड अ रो। अभी उन्होंने कुछ कदम ही चले थे कि उनको एक रो की आवाज़ आई, यानी कुछ लोग आ रहे थे उनकी तरफ। देयर वे वॉज ब्लॉक्ड बाय ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स। उनका रास्ता जो था वो ब्लॉक था, वहाँ पे ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स खड़ा था। दे वर होल्डिंग ऑन टू अ लोकल पेजेंट। उन्होंने एक आम किसान को जो लोकलाइट था उसको पकड़ा हुआ था। एंड वर बीटिंग एंड किकिंग हिम मर्सलेसली। उसको मार रहे थे और किक कर रहे थे बहुत बेरहमी से। They pushed him roughly towards Pasha and told him that they had caught the thief stealing Beamish's meat. उन्होंने push किया पाशा की तरफ उसको आगे और बताया कि हमने इसको पकड़ा है Beamish का मीट चुराते हुए। Beamish was Pasha's beloved dog and after it was the dog of his wife and children. Beamish पाशा का एक बहुत ही beloved dog था। Beamish was the creature of God. Beamish को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। हुम पाशा लव द मोस्ट। पाशा उससे बहुत मोहब्बत करता था। देर वॉज अ कोर्टियर ऑफ सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर इट। एक पूरा जिसे कहते हैं कि एक क्वायर था, या कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स था जो उसका ख्याल रखता था। द डॉग वॉज गिवन मीट बोन्स मिल्क एंड ब्रोथ डेली। डॉग की ग़ज़ा बहुत अच्छी थी, उसको मीट भी दिया जाता था, बोन्स मिल्क एंड ब्रोथ। द थीफ इन दिस केस वॉज अ रियल लोकल, easily distinguished by his features and ragged clothes. जो चोर था वो दिखाई दे रहा था कि ये कोई लोकल ही है
उसके चेहरे से पहचाना जा सकता था और उसके कपड़ों से कि वो कोई लोकल आइट है। पाशा गेव हिम अ क्रूल स्टेयर, बहुत गुस्से से पाशा ने उसकी जानिब देखा, एंड सेड हाउ ही डेयर ब्रिंग हिमसेल्फ देयर टू इन्वेड द सैंक्टिटी ऑफ हिज होम, कि उसकी जुर्रत कैसे हुई है कि वो उसके घर में दाखिल होके उसके घर के सुकून को ख़राब करे। द पुअर क्रीचर वॉज पेंटिंग हार्ड फ्राम द एफर्ट्स ही हैड मेड टू रिजिस्ट द अटैक ऑफ पाशा सर्वेंट्स, के पाशा के सर्वेंट्स ने उस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया था तो वो उसकी एफर्ट्स की वजह से हाँप रहा था, और हाँपते हुए फिर उसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड आई वॉज हंग्री योर एक्सीलेंसी, मैं भूखा था योर हाइनेस, आई सॉ द कुक्ड मीट, मैंने पका हुआ गोश्त देखा, स्प्रेड आउट देयर ऑन द ग्रास, जो कि घास पे बिखरा हुआ था, एंड आई कुडंट रिजिस्ट, और मैं रह नहीं सका, आई हैवंट टेस्टेड मीट सिंस ग्रेटर बेराम, कि मैंने मीट नहीं खाया। और उसने फिर किसी लॉर्ड का नाम लिया जिसका नाम बेराम था, ग्रेटर बेराम। पाशा लोग डेट प्रोफेसर डेरियन, उसने प्रोफेसर डेरियन की जानब देखा, एंड सैड व्हाट ही सैड इज़ द हाइट ऑफ सटार, जो उसने कहा ये बहुत तंज है, बहुत ज़्यादा तंजिया बात की है इसने। नाउ यू कैन गेट सम आइडिया ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डाउन्स एंड आउट्स इन आर कंट्री एंड योर्स, कांट यू, उसको कहता है अब तुम्हें फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारी और हमारी कंट्री में जो गरीब तबका है उसमें कितना फ़र्क है, क्या तुम नहीं महसूस कर सकते, इन योर केस दे विल स्टील अ लोफ ऑफ ब्रेड इफ़ दे आर हंग्री, तुम्हारे केस में वो ब्रेड का एक लोफ स्टील करेंगे अगर वो भूखे होंगे, बट हियर लोव्स ऑफ ब्रेड आर एंड हार्ड टू गेट एंड सो दे आर ओनली सेटिसफाइड विद कुक मीट इफ़ यू प्लीज़, वो कहता है यहाँ पे ब्रेड हासिल करना इतना मुश्किल नहीं, तो ये तभी मुतमईन होते हैं जब इनको पका हुआ गोश्त मिलता है। ही टर्न बैक एंड गेव अ साउंड थ्रैशिंग ऑन द थीव्स शोल्डर्स विद हिज केन, वो पीछे मुड़ता है और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ थीव के जो शोल्डर होते हैं उसको अपनी छड़ी से हिलाता है उसको, एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक द थीव डाउन टू द पुलिस स्टेशन, और ये हुक्म देता है अपने सर्वेंट्स को कि वो उसको पुलिस स्टेशन ले जाएं। देन दे मार्च टूवर्ड्स द स्पॉट इन द गार्डन वेयर द डिग वाज गोइंग ऑन, फिर वो चलते हुए उस जगह पे आए गार्डन में जहाँ पे खुदाई हो रही थी। शेख जडाला एंड हिज असिस्टेंट्स वर टोटली इंग्रॉस्ड इन देयर वर्क, शेख जडाला अपने मददगारों के साथ मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ था अपने काम में। दे वर पाउंडिंग द अर्थ विद देयर एक्सेस, वो ज़मीन खोदे चले जा रहे थे अपने एक्सेस के साथ। डिटर्मिनेशन एंड होप बर्न फ्रॉम जडालाज आइज, जडाला की आँखों में होप थी, डिटर्मिनेशन थी। ही वॉज बर्स्टिंग विद एनर्जी फेथ एंड इमेजिनेशन, वो भरपूर भरा हुआ था एनर्जी से, फेथ से और इमेजिनेशन से। पाशा एंड प्रोफेसर डेरियन वर स्टैंडिंग देयर, पाशा वहीं पे खड़ा था प्रोफेसर डेरियन के साथ, एंड लुकिंग एट द डिवोट शेख, वो उस डिवोटेड शेख की जानिब देख रहे थे। पाशा हैड अ सार्कास्टिक स्माइल ऑन हिज फेस, पाशा के फेस पे एक बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी। वाइल द प्रोफेसर वाज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, जबकि प्रोफेसर अपनी सोचों में गुम था। दे डिसाइडेड टू सिट ऑन द वेरांडा, उन्होंने सोचा कि वरांडे में बैठ जाते हैं। दे हैड जस्ट मैनेज टू क्लाइम द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू रीच देयर, देन द शेख केम रनिंग अप एंड क्राइड मास्टर मास्टर कम बैक एंड टेक अ लुक, अभी उन्होंने पहली फ्लाइट ली थी सीढ़ियों की, तो वहाँ पे शेख भागता हुआ उनके पीछे आया और वो चीखने लगा मास्टर मास्टर के, पाशा को पुकारते उसने कहा कि वापस आएँ और एक नज़र डालें। दे फॉलोड द शेख हु वाज ऑलरेडी ऑन हिज वे बैक टू द डिक, उन्होंने शेख का पीछा किया जो पहले ही उस जानिब चला गया जहाँ पे डिगिंग हो रही थी। एंड प्रोफेसर डेरियन फाउंड द थ्री मैन मूविंग अ लार्ज स्टोन अबाउट अ स्क्वायर मीटर इन साइज, प्रोफेसर डेरियन और पाशा जो हैं जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा तीन आदमी जो हैं एक बड़ा सा पत्थर हटा रहे हैं जो तकरीबन स्क्वायर मीटर है साइज़ में। द स्टोन कवर्ड अ होल ऑफ अबाउट द सेम साइज़, उस स्टोन ने कवर किया हुआ था होल जो उसी साइज़ का था। प्रोफेसर डेरियन एंड पाशा लुक्ड एट ईच अदर, द लेटर्स आइज वर बिट्रेइंग द फीलिंग्स ऑफ एस्टॉनिशमेंट एंड कन्फ्यूजन, प्रोफेसर डेरियन और पाशा ने एक दूसरे की जानिब देखा और पाशा जो है उसकी नज़रों में हैरानी थी और वो बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहा था। दे लुक्ड इनसाइड द होल, उन्होंने होल के अंदर देखा एंड डिस्कवर्ड
अ स्मॉल स्टेयर वे लीडिंग डाउन टू द होल. उनको एक स्टेयर केस नज़र आया, स्टेयर वे जो होता है जो नीचे की जानब एक हॉल में जा रहा था. तो ये उन्होंने डिस्कवर किया पाशा के मेंशन के गार्डन में. द शेख वेंट इन टू द होल टेकिंग अ लैम्प इन हिज हैंड. शेख होल के अंदर दाखिल हो गया एक लैम्प अपने हाथ में लिए हुए. प्रोफेसर डेरियन ऑल्सो वेंट आफ्टर हिम. प्रोफेसर डेरियन भी दाखिल हो गया उसके पीछे. सून दे वर इन अ हॉल वे. वो एक हॉल में थे. उसके बाद दैट वॉज ऑलमोस्ट 10 meters इन लेंथ. हॉल वे कह सकते हैं, एक पैसेज था जो कि तकरीबन 10 meters लंबा था. दे वॉकड अ बिट फॉरवर्ड एंड फाउंड देयर वे ब्लॉक्ड बाय अ स्टोन डोर. वो थोड़ा सा आगे चले और फिर उनको नज़र आया कि एक दरवाज़ा है जिसको स्टोन से बंद किया हुआ है. द प्रोफेसर हरी टूवर्ड्स पाशा एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड सीन देयर. प्रोफेसर पाशा की तरफ गया और उसने उसको बताया कि उसने वहाँ क्या देखा है. ही टोल्ड हिम दैट दे हैड डिस्कवर्ड द एशियन टोम ऑफ जनरल हर, वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ द 18th dynasty. उसने उसको ये बताया कि उन्होंने एशियन टोम डिस्कवर किया है जनरल हर का, जो कि की फिगर था 18th khandan का. डायनेस्टी होती है ख़ानदान. देर वॉज अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट द ओपनिंग ऑफ द डोर बिटवीन द प्रोफेसर एंड शेख. थोड़ी सी डिस्कशन होती है प्रोफेसर और शेख के दरमियान दरवाज़ा खोलने से मुतलिक. शेख जडाला वॉन्टेड टू ओपन द डोर बाई यूजिंग अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल पावर. शेख जडाला चाहते थे कि वो दरवाज़े को खोलें कोई स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके. दिस वॉज सपोज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इसमें बहुत सारा वक्त लग जाता. सो दे डिसाइडेड अपॉन द यूज़ ऑफ फोर्स टू ओपन द डोर एज दे डिड अर्लियर एट द एंट्रेंस ऑफ द होल. फिर लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बाय फोर्स ही ये दरवाज़ा खोलेंगे जिस तरह से उन्होंने इस होल की एंट्रेंस को खोला था. पाशा शाउटेड एट द शेख. पाशा शेख के ऊपर चीखा एंड दे फेल टू वर्क. और फिर वो काम में लग गए. दिस टाइम डेरियन वॉज ऑल्सो वर्किंग विद दैम. प्रोफेसर डेरियन भी उनके साथ काम में शामिल हो गया. दे रिमूव द ऑब्स्टेकल फ्राम देयर वे. उन्होंने वो ऑब्स्टेकल हटा लिया अपने रास्ते से. एंड फाउंड इन फ्रंट ऑफ दैम द एंट्रेंस टू द इटर्नल रेस्टिंग प्लेस ऑफ हर. और बिल्कुल अपने सामने उनको एंट्रेंस मिल गई जो कि जनरल हर की इटर्नल रेस्टिंग प्लेस थी. एवरी वन ऑफ दैम वॉज अटली एस्टॉनिश्ड. उनमें से हर कोई जो था बहुत ज़्यादा हैरान था. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोफेसर डेरियन वेंटन. सबसे पहले प्रोफेसर डेरियन अंदर दाखिल हुए. महमूद अल अर्न उती द पाशा एंड शेख चडाला फॉलोड हिम. पाशा और शेख चडाला ने उनका पीछा किया. द टू सर्वेंट्स हु वर वर्किंग विद शेख चडाला फर्स्ट प्रेफर टू स्टे इन द आउटसाइड पोर्च. जो दो सर्वेंट्स उनके साथ काम कर रहे थे शेख चडाला के साथ, उन्होंने ये सोचा कि वो बाहर पोर्च में ही खड़े रहेंगे. बट वेन द लाइट ऑफ द लैम्प वैनिश्ड, जब रोशनी ख़त्म हो गई लैम्प की, दे ऑल्सो रश्ड इनसाइड. वो भी अंदर दाखिल हो गए. एंड लुक्ड इन द कॉर्नर, और वहाँ पे कॉर्नर में खड़े हो गए. इट वॉज़ अ कॉफिन रूम. वो कॉफिन का कमरा था. द कॉफिन इटसेल्फ वॉज स्टिल इन प्लेस. कॉफिन वहीं मौजूद था उसकी जगह पे. देयर दे सॉ 3 life-size स्टैचूज. वहाँ पे उनको 3 स्टैचूज नज़र आए. वन ऑफ अ मैन, मोस्ट प्रॉब्ली हर हिमसेल्फ. पहला जो उनको नज़र आया एक आदमी का था, जो कि हो सकता है वो हर का ही हो. द सेकेंड ऑफ अ वुमन हुज पोजीशन अलॉन्ग साइड द मैन शोड दैट शी वॉज हिज वाइफ. उसकी पोजीशन इस तरह से थी उसके साथ कि वो लग रहा था कि उसकी बीवी है. एंड इन फ्रंट ऑफ द टू अ स्मॉल स्टैचू ऑफ बॉय. और उनके सामने जो था वो एक छोटा स्टैचू था एक लड़के का. ऑन द ऑपोजिट साइड, दूसरी जानब, देयर वर बॉक्सेस विद लॉक्स. वहाँ पे बॉक्सेस मौजूद थे तालों के साथ. कलर्ड वेजल सीट्स, टेबल्स एंड अ नंबर ऑफ स्पेयर्स, ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थी. द वॉल्स वर फुल ऑफ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड सिम्बल्स. और दीवारें जो हैं वो भरी हुई थी ड्राइंग्स के साथ, पेंटिंग्स के साथ और सिम्बल्स के साथ. प्रोफेसर डेरियन वॉज थिंकिंग अबाउट द बॉक्सेस. प्रोफेसर डेरियन जो है वो बॉक्सेस के बारे में सोच रहा था. एंड वॉज डेड श्योर डैट दे मस्ट हैव कंटेंड फूड, क्लोदिंग एंड ज्वेलरी. उसको ये यकीन था कि उसके अंदर इन बॉक्सेस के अंदर खाना होगा, कपड़े होंगे और ज्वेलरी होगी. इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स. उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो अपनी इन फीलिंग्स पे कंट्रोल करते. ही ऑल्सो थाट ऑफ द कॉफिन दैट मस्ट बी कंटेनिंग अ मम्मी. वो कॉफिन के बारे में भी सोच रहे थे कि इसके अंदर मम्मी होगी. ऑल द थिंग्स देयर वर प्रजेंटिंग इरेजिस्टिबल टेम्पटेशंस. वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद थी उनकी जानब वो बहुत इरेजिस्टिबल टेम्पटेशन महसूस कर रहे थे, यानी अट्रैक्ट हो रहे थे उन तमाम चीज़ों से
The professor's reverie of thoughts was interrupted by a sheer sound produced by Sheikh Jadala, who had seen a bird hovering over the tomb. Professor ki sochon ka tasalsul toot gaya jab Sheikh Jadala ne sheer ki sound ki, jab unhone ek bird dekha jo ke tomb ke upar chakkar kaat raha tha. The others cast a look around and found no bird there. Dusron ne bhi upar ki janib dekha lekin unko koi parinda nazar nahi aaya. Professor Darien said to Pasha in French. Professor Darien ne Pasha se French zaban mein bola, maybe that bird was a dead man's soul. Ho sakta hai wo parinda jo hai wo is mare hue insaan ki rooh hai. His ka coming to pay him a visit along with us. वो कहता है कि उसकी जो सोल है वो विज़िट करने आई है उसको हमारे साथ, यानी रूह जिस्म का विज़िट करने आई है. सडनली द टू सर्वेंट्स पॉइंटेड टूवर्ड्स अ कॉफिन. अचानक दो सर्वेंट्स ने कॉफिन की तरफ पॉइंट आउट किया. हुज कवर हैड बीन लिफ्टेड अप, जिसका कवर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा था या लिफ्ट हो चुका था. एंड द मम्मी ले स्ट्रेच्ड इन इट्स श्रूड्स राइट इन फ्रंट ऑफ देम, और उनके सामने वो मम्मी जो थी वो लेटी हुई थी बिल्कुल उनके सामने. एवरी वन ऑफ देम वॉज रिवेटेड टू द स्पॉट विद वंडर, हर कोई बहुत ज़्यादा एकदम से हैरान हो गया. द स्पेक्टेकल हैड ट्रांसफॉर्म्ड पाशा इनटू अ स्टैच्यू. पाशा को जो है विजुलाइज किया जा सकता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक स्टैच्यू की फॉर्म में. द मम्मी मूव्ड एंड सैट अप इन द कॉफिन, मम्मी ने हरकत की और वो कॉफिन में बैठ गई. इट जंप ग्रेसफुली आउट ऑफ द कॉफिन, उसने ग्रेसफुली कॉफिन से बाहर जंप लगाई एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने आके खड़ी हो गई. शेख चुडाला एंड द टू सर्वेंट्स रिसीव्ड स्वेयर नर्वस शॉक्स, उनको स्वेयर नर्वस शॉक्स हुए सर्वेंट्स को भी और शेख जडाला को भी जब उन्होंने मम्मी को अपने सामने इस तरह से ज़िंदा पाया. द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, वो जो ऑब्जेक्ट उनके सामने आके खड़ा हो गया था जिसको वो मले मम्मी कह रहे थे, इट वाज़ नो मोर अ मम्मी, अब वो मम्मी नहीं रही थी. इट वाज़ अ लिविंग पर्सन फुल ऑफ विगर एंड वाइटलिटी, वो एक जीता जागता इंसान बन चुकी थी जिसमें भरपूर ज़िंदगी थी. He was wearing a white garment, उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे. And his chest was decorated with gleaming medals, उसके chest पे medals नज़र आ रहे थे जिस तरह से journals medals पहनते. He looked awesome, frightening and lofty, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था लेकिन उससे खौफ भी आ रहा था. He had a great resemblance with the peasant who was thrashed by Pasha's servants, उसकी बहुत ज़्यादा resemblance थी उस किसान के साथ जो कि निकाला गया था पाशा के सर्वेंट्स के हाथों, और पाशा के सर्वेंट्स ने उसको मारा था बहुत. फॉर स्टीलिंग बीमिशेस बेक्ड मीट, के उसने बीमिश का बेक्ड मीट चुराया था. द मम्मी स्टेयर्ड एट पाशा विद ग्लेयरिंग आइस, मम्मी जो है वो पाशा की जानब देख रही थी चमकती हुई आंखों से. एंड स्पोक टू हिम, वो उससे बात करी थी. हर स्पोक आफ्टर साइलेंस ऑफ 3000 ईयर्स, 3000 सालों की खामोशी के बाद जनरल हर बोला. हर सेड डोंट यू रिकग्नाइज मी स्लेव, वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते गुलाम. व्हाई आरंट यू ग्रूवलिंग एट माय फीट, वो उसे कहता है तुम मेरे क्यों पाँव पड़े पे हो और क्यों इतने खौफजदा हो. हर वेंट ऑन एड्रेसिंग पाशा दैट ही वाज फैटेड बाय द बॉन्ड ऑफ डेथ, वो पाशा से मुखातिब है और वो कहता है कि मौत ने मुझे जकड़ा हुआ था. And was unable to move, और मैं हरकत नहीं कर सकता था. But he had been watching the incredible things going on in the world, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों को दुनिया में देख रहा था जो कि जारी थी. हर admonished पाशा over his stupid act of coming into the coffin room, हर जो है वो उसके stupid act पे उसको admonish करता है, यानी एक किस्म का जलील करता है कि वो क्यों उसके coffin room में आया. I was unable to come to you because my life is over, वो कहता है मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है. As Orises decreed, जिस तरह से Orises यानी उनका जो खुदा है उसने decree किया है, यानी उसकी किस्मत में ये था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए. But now you have come to me, लेकिन अब तुम खुद मेरे पास आए हो. Her said to him, have your overbearing arrogance driven you mad, हर पाशा से ये कहता है कि क्या तुम्हारी इस एरोगेंस ने, जो तुम्हारी प्राइड है, इसने तुम्हें पागल कर दिया है. वाई हैवेंट यू गिवन थैंक्स टू दोज गॉड्स, क्यों नहीं तुमने उन खुदाओं का शुक्रिया अदा किया हु हैव यूज्ड डेथ टू कीप अस अपार्ट,
जिन्होंने डेथ से हमें एक दूसरे से जुदा रखा है। हर वॉज़ वेरी मच अवेयर ऑफ़ द प्लंडरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पाशा। हर बहुत अच्छी तरह जानता था कि पाशा जो है वो करप्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। He knew that men like Pasha had been exploiting the poor Egyptians and squandering their wealth for their own ease. वो जानता था कि पाशा जैसे आदमियों ने गरीब इजिप्शियंस के पैसों को मिसयूज़ किया है, उनको एक्सप्लॉयट किया है अपनी ईज़ की खातिर, अपनी वेल्थ की खातिर। What have you come to do, slave? वो कहता है, slave, तुम यहाँ क्यों आए हो? Aren't you content to plunder from my descendant? क्या तुम मुतमईन नहीं हो कि जिस तरह से तुमने मेरे डिसेंडेंट्स का हाल किया है, उनको लूटा है? Is that why you have come to plunder from my grave as well? Speak, slave. क्या तुम मेरी कब्र में से भी कुछ चुराने आए थे, यहाँ से कुछ हासिल करने आए थे? बोलो मेरे ग़ुलाम। पाशा वॉज हेल्पलेस बिफोर द ममी। पाशा ममी के सामने बिल्कुल हेल्पलेस था। एज द बीटन पुअर पेजेंट, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो गरीब किसान उसके सामने मजबूर था, हेल्पलेस था। वॉज बिफोर हिम अर्लियर, जिस तरह से वो गरीब किसान उसके सामने पहले मजबूर था। ही वॉज अनएबल टू अटर इवन अ सिंगल वर्ड बिफोर डोमिनेटिंग हर। वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं कह सका उस जनरल के सामने। ही चाइडेड हिम एज, हाउ इज़ इट यू हैव नथिंग टू से। वो उसको ऐसे ही छेड़ता है कि ऐसे कैसे है कि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं। डोंट यू रिमेंबर हाउ आई ब्रॉट यू हेयर फ्रॉम द नॉर्थ ड्यूरिंग वन ऑफ आर सक्सेसफुल कैंपेन्स। क्या तुम्हें याद नहीं कि किस तरह से मैं तुम्हें नॉर्थ से लेके आया था हमारी एक सक्सेसफुल कैंपेन के दौरान? डू यू प्रटेंड नॉट टू नो मी, क्या तुम ये प्रटेंड करे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो? योर वाइट स्किन विच इज़ अ श्योर साइन ऑफ योर स्लेव स्टेटस गिव्स यू अवे। उससे कहता है, तुम्हारी जो वाइट स्किन है ये श्योर साइन है तुम्हारे स्लेव स्टेटस का, यानी तुम्हारे गुलाम होने का ये एक साइन है। हर गॉट द इम्प्रेशन दैट पाशा वॉज अनएबल टू से एनीथिंग। हर को ये इम्प्रेशन हो गया कि पाशा कुछ भी कहने के काबिल नहीं है, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिम बियॉन्ड लिमिट्स, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। हर गॉट एंग्रियर एंड सैड, हर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, क्या हो गया इस दुनिया में? सो दैट द माइटी आर ब्रॉट लो, कि जो ताकतवर हैं उनको नीचे लाया गया है। एंड हम्बल्स आर रेस्ड अप हाई, और जो हम्बल्स थे डाउन टू अर्थ लोग उनको रेस कर दिया गया है। हैव स्लेव्स बिकम मास्टर्स, क्या स्लेव्स मास्टर्स बन गए? एंड मास्टर्स स्लेव्स, और मास्टर जो हैं वो स्लेव बन गए। हर वॉज वेरी मच इन द नो ऑफ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट मैटर्ड आउट टू द पेजेंट्स। वो जानता था कि किसानों से किस तरह का रवैया रखा जा रहा है। He referred to the incident of stealing meat baked for Pasha's dog. वो उस इंसीडेंट की तरफ इशारा करता है जिसमें पाशा के डॉग के लिए जो मीट बेक किया गया वो चुराया गया। He spoke of the, वो बात करता है of the subjugation of his descendants, कि किस तरह से उसके descendants ताबेदारी के साथ रहते हैं। He pointed out the cane that Pasha used to beat the poor peasant. वो उस छड़ी की तरफ इशारा करता है जो पाशा इस्तेमाल करता था गरीब किसानों को मारने के लिए। हर्स आईज टर्न इनटू बर्निंग एम्बर्स एंड थंडर्ड एट पाशा। उसकी आईज में वो बर्न करने लगी और गुस्से से, और उसने बहुत चिल्ला के पाशा को कहा, यू बीट हिम विद योर केन, तुमने उससे अपनी छड़ी से मारा। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। एंड ही फोर्स्ड हिज फेलो मैन फेलो बींग्स टू द बीटिंग फॉर यू, और तुमने ही उसके जो फेलो इंसान थे तुमने उनको मजबूर किया कि वो तुम्हारे लिए उसको मारें। आर इजिप्शियंस रियली स्टार्विंग इन देयर ओन कंट्री, क्या वाकई इजिप्शियंस जो हैं वो भूखे मर रहे हैं अपनी कंट्री में? अकर्स अपॉन यू स्लेव, वो उसको कहता है कि तुम पे लानत हो गुलाम। As soon as he finished speaking, जैसे ही वो बात करना ख़त्म करता है, he started moving towards Pasha. वो पाशा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। He roared like lion to pounce upon his prey. वो एक शेर की तरह गर्राता है जो कि अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। पाशा महमूद अल अर्नी could not bear it. He fell down and died at the spot. वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और वो गिर गया और मर गया उसी वक्त। शेख जडाला also fell to his face on the ground.
वो जो शेख जो डाला था वो भी नीचे गिर गया ग्राउंड पे. द सर्वेंट्स वेंट मैड, सर्वेंट्स बिल्कुल पागल हो गए. द नरेटर प्रोफेसर डेरियन एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ डेडली ब्लो ऑन हिज हेड. उसको प्रोफेसर डेरियन को ये लगा था कि अभी उसको बहुत ज़ोरदार कोई चीज़ लगेगी उसके हेड पे. Peered into the darkness and lost consciousness. उसने अंधेरे में झांका और उसके बाद वो unconscious हो गया, यानी बेहोश हो गया. He later told that he was not sure. उसने बाद में ये बताया कि वो श्योर नहीं है about what he saw on that day. जो कुछ उसने देखा था उस दिन, whether it really happened or it was just an illusion. क्या वो वाकई सब कुछ हुआ था या वो सिर्फ एक ख्याल था, उसका वहम था. He said that Sheikh Jadala was very much alive to retell the whole story. वो कहता है कि शेख जडाला ज़िंदा है ये सब स्टोरी दोबारा से बताने के लिए. ड्यूरिंग द फॉलोइंग डेज, जो आगे के दिन आए उसमें, द प्रेस पब्लिश स्टोरीज अबाउट द होल इवेंट. प्रेस ने स्टोरी पब्लिश की तमाम इवेंट से मुतलक. इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द टू सर्वेंट्स हु हैड गॉन मैड. उन दो सर्वेंट्स से मुतलक क्वेश्चंस रेज हुए जो पागल हो चुके थे. एंड द डिजर्टेड मैंशन दैट वॉज वंस ऑक्यूपाइड बाय द पाशा. और वो मैंशन अब खाली हो चुका था जहाँ पहले पाशा रहता था. जी स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द ममी अवेकन्स बाय नजीब महफूज. दिस वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग टेल एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस शॉर्ट स्टोरी. और भी इससे मुतलिक जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट बिलो. आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू ऑल. Till then students, this is your host Sami Omar signing off from MA English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.